हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। मुकद्दस, मामा ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? वो कुछ ना कहें इसलिए जरूरतन बाहर चले जाती हूँ। मुकद्दस, तुम इतनी कॉन्शियस क्यों रहती हो? हाँ, अच्छा आप ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, फिर हम यहाँ पे इकट्ठे लंच करेंगे। व्हाट्स इट? मामी इजाजत नहीं देंगी मुझे। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर लूंगी। बस तुम फटाफट चेंज करो, रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर भिजवाती हूँ। ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है। इतनी लगन से तुम अपना काम करते हो, अगर इतनी मेहनत तुमने अपनी लव लाइफ पे की होती तो आज मुकद्दस मिसेज आरेस के बजाय मिसेज आबिस होती। शायद मुकद्दस मेरी किस्मत में थी ही नहीं। कोशिशें करने के बजाय किस्मत को ब्लेम करना बेवकूफी है। दो बार कोशिश कर चुका हूँ, एक बार डाकुओं की वजह से काम खराब हो गया था और दूसरी मर्तबा आरिस मेरे और मुकद्दस के दरमियान आकर रुकावट बन गया। क्या मतलब आरिस ने आके? अगर तुम शादी पे नहीं आए तो इसमें आरिस की क्या गलती है? आरिस ने मेरी अम्मी के पास जाके मुकद्दस के खिलाफ उनको भड़काया था। सीरियसली? और ये सब जानने के बावजूद तुमने उसको सबक नहीं सिखाया? क्या फायदा सबक सिखाने का, अब तो वो उसे अपना चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम मुकद्दस को वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हो। देखो, जैसे आरेज ने तुमसे तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार छीना, तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम वापस अपनी खुशी छीन लो। Here's my number. अगर तुम मुकद्दस को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो और यू जस्ट वॉन्ट टू स्पीक टू हर, मुझे कॉल कर लेना। Don't worry. क्या हुआ भाई, कितने देर है? बाजी कोई लंबी खराबी लग रही है, थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा चलो फिर मैं कैब करवा के चली जाती हूँ। ठीक है बाजी।
आप किधर जा रही हैं? कहीं भी जा रही हूँ, खुद चली जाऊंगी, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब हम अजनबी तो है नहीं जो आप मुझसे इस तरह रूड हो रही हैं। इतने कोई जान पहचान भी नहीं है हमारी, अगर होती ना तो आप पे भरोसा करने की गलती कभी ना करती। इसी बारे में उस दिन मैंने आपको कुछ बताना था लेकिन आप आए ही नहीं। अच्छा, क्या बताना था? अब इस तरह की बातें यहाँ सड़क पे खड़े होकर तो डिस्कस नहीं की जा सकती। प्लीज़ आइए आप मेरे साथ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। इस तरह सड़क पे खड़ा होना भी ठीक नहीं है, प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़। मैं तो अपनी कमिटमेंट पूरी करने आ रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको पाने के लिए। अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। क्या हुआ था उन्हें? हार्ट अटैक हुआ था। ज़िंदगी पलट गई थी। इतना सब कुछ हो गया और आपने भाई को बताया नहीं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मी की फिक्र में। मैंने सोचा था ना कि मैं खुद आके माफी मांगूंगा, फिर मी को राजी करके सादगी से शादी करके आपको घर ले आऊंगा। अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी आरएस से हो जाएगी तो मैं मास को कांटेक्ट करता। आपने आरिस से शादी की क्यों? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। इतना सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। आपने अपने नाने की जस्टिफिकेशन दे दी और मैंने सुन भी लिया। उसके बाद मैंने क्या फैसला किया, क्यों किया, ये जानने का हक आपको नहीं है। मुकद्दस मेरी बात, देख लिया तुमने? मुझे भी कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? मुझे लगता था तुम उसकी मासूमियत पे मरते हो, लेकिन वो तो तुम्हें धोखा दे रही है। शायद शायद नहीं, बस खेल खेलना। उसने तुम्हें नहीं बताया होगा कि वो तो आबिस के साथ लंच करने जा रही थी। देखो वो भोली नहीं है, क्योंकि इंसान अपने पहले प्यार को तभी याद करता है जब वो अपनी जिंदगी में ना खुश हो। Just shut up. ये भरम जाके ना तुम अपनी बीवी को दिखाओ जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है।
हाँ राशदा, मैंने देखी है वो तस्वीरें तुमने जो भेजी थी। हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, पसंद आई है मुझे। अच्छा तो चलो ठीक है। हाँ हाँ अच्छा सुनो राशदा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, अभी बात करती हूँ तुमसे। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मुकद्दस मिली थी। मुकद्दस? वो कहाँ मिल गई तुम्हें? अपने घर जा रही थी। ओ अच्छा, इसीलिए आज तुम्हें अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना याद ही नहीं रहा? यमीन मेरे एकदम जहन से निकल गया, काम में बिजी हो गया था मैं, सॉरी। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना? ये देखो। ये क्या है? लड़की है, पसंद की है तुम्हारे लिए, तस्वीरें हैं उसकी। मुझे कोई शादी नहीं करनी। तो क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजार दोगे? जी सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगा, अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही ठीक, बाकी अल्लाह की जुम्मे से। प्लीज ये बार बार मत करें मेरे से। नींद पूरी हो गई? मैके में सुकून की नींद की बात ही कुछ और है। मुकद्दस मैं जानती हूँ मामा, तुम्हारे साथ हार्श हो जाती हूँ उनकी, राइट? ये मुझे दे दो, आप जाओ। मामी के हार से वही कि तुम ज्यादा दुखी हो, इसलिए अब ज्यादा महसूस नहीं होता। और आरिज, उसका बिहेवियर कैसा रहता तुम्हारे साथ? वैसे तुमने शादी ना मजबूरी में किया ना ही प्रेशराइज होने की वजह से, ये बात तो मास को भी समझ आती है, लेकिन क्यों की है ना वो समझ पा रहे हैं ना ही मुझे कुछ आइडिया। आप लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं होता मुझे डिस्कस करने के लिए? अरे भाई नई नई शादी हुई है आप लोगों की, आप लोगों को तो अपनी बातें करनी चाहिए। तुम भी तो हमारी अपनी हो, और हमारी बात हो या तुम्हारी बात हो एक ही है ना। कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाह रहे तो मत बताओ, बस एक बात का ख्याल रखना मुकद्दस, तुम जिंदगी में अकेली नहीं, मैं और मास तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ होंगे। और अगर ये बात आप ना भी करते मुझे इस बात का पूरा यकीन। चलो चाय पियो, आपकी चाय कहाँ है? मैंने पी ली। थैंक यू। समझाया था मुकद्दस से दूर रहना, समझ नहीं आती? तुमने उससे जबरदस्ती शादी की। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। शादी चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन अब तुम उसके करीब ही नजर आए ना तो जान ले लूंगा। समझाए इसको, जिठाई से उसके पीछे पड़ा हुआ, कितनी बार समझाया इसे? ताली दोनों हाथों से बजती है, समझाना है ना तो जाके अपनी बीवी को समझाओ, जरूर उसने कोई शह दी होगी, वरना ऐसे ही मेरा बेटा उसके पीछे ख्वार ना हो। लेकिन इसने मुकद्दस के साथ, मुकद्दस का नाम अपने मुंह से मत निकालना। अब इस बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम अपनी हद भूल चुके हो, और मुझे भूली हुई यादें याद दिलाना बहुत अच्छी तरह आता है। समझाए इसे,
चलो तुम अंदर। मैंने तुम्हें कहा था उस आदमी से मिलने मत जाना। फिर क्यों गई थी? मेरा पीछा कर रहे हैं आप? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। ये क्या है बोलो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरी जिंदगी और ये अपनी जिंदगी, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, आपकी कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। निकामे हो मेरे, मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। आप जैसे इंसान के मुंह से ये फर्ज वाली बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही। और जहां तक बात रही निकाह की, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हाँ क्यों बोली, और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने कबूल क्यों किया है मुझे। जब सब कुछ क्लियर है तो हक जताना बनता नहीं है आपका। हद पार कर रही हो तुम। हद पार कर रही? मैं हद पार कर रही हूँ? हद मैं नहीं, आप पार कर रहे हैं। मैं तो बस आपको एहसास दिला रही हूँ कि जब कोई लिमिट क्रॉस करता है तो कैसा लगता है। अजियत हो रही है ना अजियत? मुझे भी इससे ज्यादा तकलीफ हुई थी जब किडनैप करवाया था आपने मुझे। जब आपकी वजह से दूसरी बार बारात मेरी दहलीज पर नहीं आई थी, मुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी। जो बोया है ना आपने, वो काटना भी पड़ेगा। तुम्हें मुकद्दस को मेरे आने तक रोकना तो चाहिए था। माज मामा की एक दफा कॉल आते ही वो उठ खड़ी हुई जाने के लिए। मैंने तो कहा भी था मैं मामा से बात कर लेती हूँ, लेकिन उसने सुनी नहीं। माज ऐमन मुकद्दस बिला वजह जिद नहीं करती। यकीनन मामी ने उस पर कोई प्रेशर डाला होगा, तभी वो मुझसे मिले बगैर चली गई। तुम्हें मामी से बात करनी चाहिए। माज मैंने मामा से बात की थी, मगर देखो ईमन, बात करने और बात मनवाने में बहुत फर्क होता है। तुम उन्हें मनाने की कोशिश करो, बल्कि उन्हें ये समझाओ कि मुकद्दस आर्य इसको लेकर बहुत अपसेट है। अगर वो उसे मजीद स्ट्रेस देंगी तो उसके लिए आसान नहीं है। ईमन बात यह है कि मुकद्दस बहुत सेंसिटिव है। बुरा रवैया, बुरी बातचीत उससे नहीं बर्दाश्त होती। तुम एक काम करो ना, तुम मामू से कहो कि मामी से बात करें, उन्हें समझाएं। वरना अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में मुकद्दस रही तो बीमार पड़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं मास, मैं डैड से बात करूंगी। उतर आया ना वो अपनी घटिया हरकतों पर, ब्लैकमेल कर रहा है हमें तुम्हारे जरिए से। मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, आप जानती हैं ना माज मुकद्दस से कितना प्यार करता है, भाई है वो उसका। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है माज। एक तो पहले ही आरेज जैसे लापरवाह शौहर को बर्दाश्त कर रही है, और ऊपर से तुम भी अपने रवैये से उसकी बर्दाश्त को आजमा रही। आप भी शुरू हो गए अपनी बेटी के साथ साथ। तो गलत तो नहीं कह रहा, तुम्हारी तरबियत का नतीजा है ना आरेज। हमारी परवाह तो दूर की बात है, उसे तो अपनी फिक्र नहीं है, खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप बस मेरे बेटे के पीछे पड़े रहा करें। यही लाड उसे ले डूबा है फौजिया, यही लाड। पर तुम होके दोबारा वही गलतियां दोहरा रही।
तसल्ली हो गई तुम्हें अपने डैड से बातें सुनवा कर? कह देना अपने शौहर से कि मैं उसके कहने में आने वाली नहीं हूं, मेरा दिल जिस तरह चाहेगा मैं उसी तरह से मुकद्दस से बात करूंगी, ठीक है मामा? लेकिन हेलो, बहुत ही गिरी हुई हरकत की आपने। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे आपके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। कदस, क्या हो गया आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या किया मैंने? पहले तो आप मुझे फोर्स करके अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर गए, फिर अपने साथ तस्वीर लेकर आपने आरएस को सेंड कर दी। क्या सोचकर ये हरकत की है आपने? क्या कह रही हैं आप? मेरा यकीन करें, मैं इतनी गिरी हुई हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। मेरी अम्मी की कसम है, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, और जिनकी दिल से इज्जत की जाए उन्हें इस तरह बदनाम तो नहीं किया जाता। अगर आपने तस्वीर नहीं सेंड की तो फिर किसने किया? खतस, मुझे सच में इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ। मुकद्दस की कॉल आई थी, बता भी दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये देखो। इसका मतलब कि ये तस्वीर आपने भेजी थी? हाँ, देखो मैं तो लंच करने गई थी, बाय चांस तुम दोनों पे नजर पड़ी। ऑब्वियसली इतना अच्छा चांस तो मैं मिस नहीं कर सकती, तो फौरन से मैंने तुम दोनों की एक पिक्चर ली और तुम्हारी मुकद्दस के आरएस को भेज दी। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम बैठे किस्मत को कोसते रहो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इसलिए मुझे जब मौका मिलेगा और जो ठीक लगेगा मैं वैसे ही करूंगी। देखें, अगर वो आरिस के साथ रहना चाहती है तो आपको और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उन्हें अलग करें। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल समझ नहीं आती, कैसे तुम अपने प्यार को अजियत सहते रोते बिलखते देख सकते हो? मेरी एमन से बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि वो कदस बहुत परेशान है। तुम कैसे आरिस जैसे इंसान के साथ उसको पूरी जिंदगी भर अजियत सहने के लिए छोड़ दोगे? मैं आरिस को जानती हूँ, ये रिश्ता अब उसके लिए टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या फैसला लेते हो? ये मेरी शर्ट तुमने चलाई? मेरे अलावा और कौन करेगा? तुम्हें पता है मेरी फेवरेट शर्ट थी। हाँ, इसलिए तो चलाई। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी वो है जो तुमने की है। जी नहीं, जो इंसल्ट आपने मात भाई की है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बदला लोगी तुम? जाहिर सी बात है, आपकी ज्यादतियां बर्दाश्त करने के लिए तो शादी नहीं की ना। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं ना तो बहुत कुछ कर सकता हूं। अच्छा कर ले, पहले कौन सा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूं मैं आपके साथ। तुम जानती हो मुझे एहसास हो रहा है कि जज्बाती होकर तुम पे तरस खाकर जो मैंने शादी के लिए हाँ किया ना, गलत किया। चलिए ये एक बात अच्छी हो गई कि आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे तो आपने मुझे सजा देने के लिए मुझसे शादी की थी, लेकिन
आपकी तो अपनी जिंदगी सजा बन गई। यू नो व्हाट, तुमसे छुटकारा पाना बहुत आसान है मेरे लिए। मुझे भी कोई खास परवाह नहीं है आपसे अलग होने की। तुमसे तो बात करनी ही पसंद है। क्या बात है, कुछ अपसेट लग रहे हैं आप? हाँ, एक टाइम था जब मैं अपने ऑफिस में आए भाई शाये ऐसे हुक्म चलाता था। सोचा भी नहीं था कि कभी वक्त ऐसे भी बदल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? हमारे ऑफिस में एक वर्कर था, ना अहल किस्म का, हेरा फेरी क्या करता था, इसी बात पर उसे निकाला था। और आज मैं उसके ऑफिस में एक मामूली ठेकेदार की तरह काम कर रहा हूं। बहुत सुनाता था मैं उसको एक टाइम, अब क्योंकि अब मैं यहां पे आ चुका हूं उसके दफ्तर में, अब वो मुझ पे हुक्म चलाता है। तो आप मना कर दे उसके साथ काम करने से? क्या बात करी हो फौजिया, मेरे पास काम करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन उन लोगों के पास होता है जिनके अकाउंट्स में सेविंग्स होती हैं। यहां पे तो खर्चे और बिल्स पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से वो लॉर्ड साहब जो अभी तक अपनी लाइफ सीरियसली नहीं ले रहे। जॉब मिल तो गई उसे, अब वो क्या करे? इसको समझाओ कि वो वक्त और था कि वो दूसरों पे हुक्म चलाता था, अब नौबत ऑर्डर्स मानने की हो चुकी है। अगर वो जरा जरा सी बात पर जॉब छोड़ता फिरेगा ना तो नहीं चल पाएगा जमाने के साथ। मैं बात करूंगी उससे। बात नहीं करनी है, अब एहसास दिलाना है। मेरे बाजू में अब इतना दम नहीं है कि मैं पूरे घर का बोझ उठाऊं, उसको मेरा साथ देना पड़ेगा। आबिस, मुझे भी ड्रॉप कर दो। दरअसल मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा। मैं खत्तस को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता इस सिचुएशन में। हारिस एक बहुत खुदगर्ज लड़का है, बहुत बदतमीज है। वो तो खत्तस की पहले भी इज्जत नहीं करता था, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसने शादी भी उसे परेशान करने के लिए की है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम हो कि किस्मत का लिखा, जो भी जैसा भी वैसे ही कबूल कर लेते हो। मैं जो कुछ भी करूंगा ना मुकद्दस के लिए करूंगा। मुकद्दस हारिस जैसे शख्स को डिजर्व नहीं करती है। मुकद्दस हारिस के स्टैंडर्ड की बिल्कुल नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि वो दोनों जल्द से जल्द अलग हो जाएं। लेकिन क्या मुकद्दस की बात मानेगी? मुकद्दस और आरिज दोनों जिद में पागल हुए हैं। ना उन्हें कुछ समझ आ रही है, ना उन्होंने मेरी या तुम्हारी बात सुननी है। तो बेहतर यही होगा कि हम जो भी करें उनको पता ना चले। चले आ जाए। मामी, दालें वगैरह और तकरीबन सारा राशन खत्म होने वाला है। पता है, लेकिन पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? तो मैं ले आती हूँ ग्रोसरी। तुम लाओगी? हाँ,
इस घर का फर्द होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। नहीं नहीं, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि माज को हमारी तंगी का पता चले, और वैसे भी बेटी के ससुराल में हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मामी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इतना ना सोचें आप। एक जमाना था, ढेर के ढेर खाने की चीजें हम सिर्फ मुलाजमों को दे दिया करते थे, और अब मुझे अपने हालात मुलाजमों से बदतर दिखाई दे रहे हैं। हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हालात भी सुधर जाएंगे, परेशान ना हो। आप एक काम करें ना, जो राशन खत्म हो रहा है उन सब चीजों की लिस्ट बना लें, फिर हम दोनों ग्रॉसरी करने चलेंगे। ये तो आप बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, इतना दूर थोड़ी है। रहने दें आप, मैं कोई और रिक्शा देख लूंगी। भाई आप कैसे हैं? खैर खैरियत बाद में पूछ लेना, पहले गाड़ी में बैठो। मामी बैठे। अरे मामी रहने देना, भाई उठा लेंगे आप आए। भाई आप भी ग्रॉसरी के लिए आए थे? मामी आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ हारिस को करना चाहिए? वो घर पे तो नहीं बैठा होता कि जो मैं उससे कहती। बैठिए प्लीज, बैठो तुम। मामी खाना लगा दो। मामी माना के पैसे की कुछ मोहताजी हो गई है, लेकिन हाथ पैर सलामत है मेरे। जब खाना होगा ना मैं खुद किचन से ले लूंगी। क्या वो मामी आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? बहुत अच्छी तरह से बेइज्जत किया है तुमने वहां पर अपने भाई को बुलाकर। नहीं मैंने भाई को नहीं बुलाया था वहां। अच्छा अब ये मत कहना कि तुम्हारे भाई का आना वहां पे एक महज इत्तफाक था। इत्तफाक ही था, मैं भला भाई को क्यों बुलाऊंगी वहां? मैं नहीं मानती इस बात को। पहले तो जज्बाती करके मुझे अपने साथ बाहर जाने पर राजी कर लिया, और फिर वहां पर अपने भाई को बुला लिया ताकि वो देख सके
कि किस तरह से बहन अपने ससुराल वालों पे खर्चा कर रही है। मैं इस तरह की हरकत क्यों करूंगी? पुराने बदले लेने के लिए। किस्मत ही खराब निकली हमारी कि तुम्हें तो ये सब कुछ करने का मौका मिल गया। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो दिल से आप सब लोगों की परेशानी शेयर करना चाहती थी, लेकिन अगर भाई वहां पर आ गए तो उसमें मेरा क्यों कसूर है? बस रहने दो ये बातें। मैं तुम्हारी मासूमियत से अब दोबारा धोखा नहीं खा सकती। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो। छोटे घर से ताल्लुक है ना तुम लोगों का। अब ऐसी हरकतें करके तुम हम लोगों को नीचा दिखाना चाह रहे हो?